Phronesis Investor Academy के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ वेरी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड स्कीम्स के बारे में डिटेल से बताऊंगा। अगर आप एक वेरी हाई रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर हैं और आपको वेरी हाई रिस्क के म्यूचुअल फंड स्कीम्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना है तो ये वीडियो आप कंप्लीटली जरूर देखें। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि एक वेरी हाई रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर को अपना इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एक वेरी हाई रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर होता कौन है। एक हाई रिस्क इन्वेस्टर वो इन्वेस्टर है जिसका इन्वेस्टमेंट होराइजन एटलीस्ट 10 ईयर्स जरूर हो और साथ ही उसका रिस्क प्रोफाइल एग्रेसिव हो। इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 इयर्स होने का मतलब यह है कि आप 10 इयर्स से पहले अपने म्यूचुअल फंड स्कीम को नहीं बेचेंगे। साथ ही रिस्क प्रोफाइल एग्रेसिव होने का मतलब यह है कि अगर मार्केट में कोई मेजर करेक्शन होता है जिसके कारण आपका प्रिंसिपल अमाउंट घटकर 60-70% होता है तो उससे डरकर आप अपने म्यूचुअल फंड को रिडीम नहीं करेंगे। हाई रिस्क इन्वेस्टर का मतलब ये नहीं है कि आप अपना पूरा पैसा किसी वेरी हाई रिस्क के प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर देंगे। लाइक क्रिप्टो करेंसी वेरी हाई रिस्क प्रोडक्ट है तो आप एक वेरी हाई रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि आप पूरा पैसा क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट कर देंगे। वेरी हाई रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर भी अपने टोटल इन्वेस्टमेंट को वेल स्प्रेड आउट करेगा अक्रॉस डिफरेंट एसेट क्लासेस। ओनली डिफरेंस ये होगा कि उसका जो परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा अक्रॉस डिफरेंट एसेट क्लासेस वो अलग होगा। लाइक उसका परसेंटेज एलोकेशन रिस्की एसेट्स में थोड़ा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अदर इन्वेस्टर्स। अगर आप वेरी हाई रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर हैं तो बेसिस योर गोल, योर इन्वेस्टमेंट होराइजन और योर रिस्क एपेटाइट, रफली आप अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का 70% एलोकेशन इक्विटी में कर सकते हैं। रेस्ट 30% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट आप डेट या फिर गोल्ड में कर सकते हैं। सो नाउ आप एक वेरी हाई रिस्क इन्वेस्टर हैं एंड बेसिस योर गोल्स, योर इन्वेस्टमेंट होराइजन और योर रिस्क एपेटाइट आपने ये डिसाइड किया है कि आप अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का 70% इक्विटीज में इन्वेस्ट करेंगे। नाउ फॉर सिंपलिसिटी हम ये अज्यूम करेंगे कि आप ये जो 70% इन्वेस्ट कर रहे हैं इक्विटी में उसका अमाउंट 100 रुपीज है। तो आप वेरी हाई रिस्क इन्वेस्टर हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये पूरा 100 रुपीज मिड कैप या स्मॉल कैप या थीमेटिक फंड्स में इन्वेस्ट कर देंगे। आपको भी अपने टोटल इक्विटी इन्वेस्टमेंट का अबाउट 50-60% लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, अबाउट 20-30% मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए और अबाउट 10-20% स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर आप म्यूचुअल फंड के सेक्टर या थीमेटिक फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप अपने टोटल इक्विटी इन्वेस्टमेंट का अबाउट 10% इन फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जब भी आप अपना पोर्टफोलियो बनाएं तो आप इस बात को जरूर ध्यान में रखें कि जब भी मैं ये बोलता हूं कि आपको अपने टोटल इक्विटी इन्वेस्टमेंट का अबाउट 50-60% इन्वेस्ट करना होगा लार्ज कैप में, तो उस समय मैं लार्ज कैप स्टॉक्स की बात करता हूं, लार्ज कैप कैटेगरी के फंड्स की बात नहीं करता। क्योंकि लार्ज कैप के स्टॉक सिर्फ लार्ज कैप कैटेगरी के फंड्स में ही नहीं होते हैं, ये ऑलमोस्ट सारे कैटेगरी के फंड्स में होते हैं। लार्ज कैप के स्टॉक्स आपको फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, थीमेटिक, सेक्टर फंड्स, फोकस्ड फंड्स, इन सभी में मिल जाएंगे। इसलिए आप जब भी अपना इक्विटी म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बनाएं उस समय आप ये भी ध्यान में रखें कि म्यूचुअल फंड कैटेगरी के साथ साथ आपको यह भी ध्यान में रखना है कि फंड्स का मार्केट कैप एलोकेशन क्या है। मार्केट कैप एलोकेशन मींस किसी पर्टिकुलर फंड ने लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप स्टॉक्स में किस तरह का एलोकेशन दिया है। नाउ हम उन फंड्स के बारे में जानेंगे जिन फंड्स को मैंने आपके लिए सेलेक्ट किया है। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे सेक्टर एंड थीमेटिक फंड से। इंफ्रास्ट्रक्चर थीम पे मैंने 2 फंड सेलेक्ट किया है, ICICI प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एंड फ्रैंकलिन बिल्ड इंडिया फंड। इन दोनों ही फंड्स ने ज्यादातर होराइजंस में अपने बेंचमार्क को कॉम्प्रिहेंसिवली बीट किया है। इन दोनों ही फंड्स का एक बहुत बड़ा निगेटिव है इनका एक्सपेंस रेशियो। इन दोनों ही फंड्स के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो काफी ज्यादा है। इन दोनों ही फंड्स का प्राइस टू अर्निंग एंड प्राइस टू बुक रेशियो ज्यादा नहीं है। ICICI प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने जिन मेजर स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया है वो है NTPC, ONGC, भारती एयरटेल, L&T एंड एक्सिस बैंक। जबकि फ्रैंकलिन बिल्ड इंडिया फंड ने जिन मेजर स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया है वो है SBI, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, भारती एयरटेल एंड NTPC। टेक्स सेक्टर में मैंने 3 फंड्स को सेलेक्ट किया है, आदित्य बिरला सनलाइफ डिजिटल इंडिया फंड, ICICI अप्रूव टेक फंड
एंड टाटा डिजिटल इंडिया फंड। इन तीनों ही फंड्स ने अपने बेंचमार्क को सारे होराइजंस में कॉम्प्रिहेंसिवली बीट किया है। आउट ऑफ दीज थ्री फंड्स, आदित्य बिरला सनलाइफ डिजिटल इंडिया फंड एंड आईसीआईसीआई प्रू टेक फंड का एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है, जबकि टाटा डिजिटल इंडिया फंड का एक्सपेंस रेशियो कम है। अगर आप इन तीनों फंड्स के पोर्टफोलियो का प्राइस टू अर्निंग एंड प्राइस टू बुक रेशियो चेक करेंगे तो ये काफी ज्यादा है। पोर्टफोलियो का पी एंड पीबी रेशियो ज्यादा होने का मतलब ये है कि इन फंड्स ने जिन भी स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया है वो स्टॉक्स ज्यादातर ओवरवैल्यूड हैं। अगर आप इन तीनों फंड्स के पोर्टफोलियो को देखेंगे तो ज्यादातर स्टॉक्स कॉमन हैं। आदित्य बिरला डिजिटल इंडिया फंड का मेजर इन्वेस्टमेंट है इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल, टेक महिंद्रा एंड भारती एयरटेल में। आईसीआईसीआई प्रू टेक फंड का मेजर इन्वेस्टमेंट है इन्फोसिस, एचसीएल, टेक महिंद्रा, टीसीएस एंड परसिस्टेंट सिस्टम्स में, जबकि टाटा डिजिटल इंडिया फंड का मेजर इन्वेस्टमेंट है इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक एंड परसिस्टेंट सिस्टम्स में। इन सारे टेक फंड्स के स्टॉक्स क्वालिटी वाइज काफी अच्छे हैं, लेकिन इनके साथ एक बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये ज्यादातर स्टॉक्स काफी ज्यादा ओवरवैल्यूड हैं। तो अगर आप इन फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप ये ध्यान में रखें कि अगर स्टॉक मार्केट में किसी तरह का करेक्शन आता है तो इन फंड्स में भी मेजर करेक्शन आ सकता है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर से मैंने टू फंड्स सेलेक्ट किया है, आईसीआईसीआई प्रू बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड एंड निपॉन इंडिया बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड। लास्ट वन ईयर में इन दोनों ही फंड्स ने अपने बेंचमार्क को कॉम्प्रिहेंसिवली बीट किया है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये दोनों फंड्स अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाए हैं। इन दोनों फंड्स के साथ भी एक बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इन दोनों फंड्स के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो काफ़ी ज़्यादा है। इन दोनों ही फंड्स के पोर्टफोलियो का प्राइस टू अर्निंग एंड प्राइस टू बुक रीजनेबल है। इसका रीज़न ये है कि मोस्टली बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा नहीं रहा है रिसेंट टाइम्स में, बट नाउ इन कमिंग फ्यूचर आप बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स से अच्छा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसका रीज़न ये है कि इंडिया में जो कोरोना पेंडेमिक का प्रॉब्लम था वो काफ़ी हद तक कम हो गया है एंड बिकॉज ऑफ दैट इंडियन इकोनॉमी का रिकवरी भी काफ़ी तेजी से हो रहा है। जब भी किसी भी कंट्री का इकोनॉमी अच्छी रेट से ग्रो करना स्टार्ट करता है तो उस कंट्री के जो भी बैंक्स हैं उनके प्रोडक्ट्स का डिमांड भी काफ़ी तेजी से बढ़ता है, जिससे इन बैंक्स का परफॉर्मेंस अच्छा हो जाता है। आईसीआईसीआई प्रू बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज ने जिन मेजर स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया है वो है एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई एंड एचडीएफसी, जबकि निपॉन इंडिया बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड ने जिन मेजर स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया है वो है एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, एक्सिस बैंक एंड एसबीआई कार्ड्स। फार्मा सेक्टर में मैंने टॉप टू फंड सेलेक्ट किया है मेरे एसेट हेल्थ केयर फंड एंड निपॉन इंडिया फार्मा फंड। दोनों ही फंड्स ने सारे होराइजंस में अपने बेंचमार्क को कॉम्प्रिहेंसिवली बीट किया है। सो टेक्नोलॉजी सेक्टर के फंड्स के तरह ही फार्मा सेक्टर के फंड्स का भी पोर्टफोलियो वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप इन फंड्स के पोर्टफोलियो का प्राइस टू अर्निंग एंड प्राइस टू बुक रेशियो चेक करें तो ये काफ़ी ज़्यादा है। मेरे एसेट हेल्थ केयर फंड ने जिन मेजर स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया है वो है सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, डिबीज लैब, अपोलो हॉस्पिटल्स एंड सिप्ला, जबकि निपॉन इंडिया फार्मा फंड ने जिन मेजर स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया है वो है सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज लैब, डिबीज लैब और विंडो फार्मा एंड सिप्ला। इन दोनों ही फंड्स के अगर आप स्टॉक पोर्टफोलियो को देखें तो क्वालिटी वाइज ये स्टॉक्स काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन इन स्टॉक्स के साथ भी एक बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा ओवरवैल्यूड हैं। जब भी आप अपना इन्वेस्टमेंट करें तो इस बात को जरूर ध्यान में रखें कि क्वालिटी वाइज एक पर्टिकुलर स्टॉक कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर वो ओवरवैल्यूड है तो उसमें करेक्शन जरूर आएगा। स्मॉल कैप कैटेगरी में मैंने आपके लिए 5 फंड्स सेलेक्ट किया है। ये फंड्स हैं एक्सिस स्मॉल कैप फंड, कोटक स्मॉल कैप फंड, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप एंड एसबीआई स्मॉल कैप। इन सारे ही फंड्स ने ज़्यादातर होराइजन में अपने बेंचमार्क को कॉम्प्रिहेंसिवली बीट किया है। स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स पे मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो पब्लिश किया हुआ है, तो अगर आप इन फंड्स के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। फ्लैक्सी कैप कैटेगरी में मैंने आपके लिए 3 फंड्स सेलेक्ट किया है, दैट इज पराग पारेख फ्लैक्सी कैप फंड, पीजीएम इंडिया फ्लैक्सी कैप फंड एंड यूटीआई फ्लैक्सी कैप फंड। इन तीनों ही फंड्स ने ज्यादातर होराइजंस में अपने बेंचमार्क को कॉम्प्रिहेंसिवली बीट किया है। फ्लैक्सी कैप कैटेगरी पे भी मैंने ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो पब्लिश किया हुआ है, अगर आपको इन फंड्स के बारे में डिटेल से जानना है तो आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। लार्ज कैप कैटेगरी में भी मैंने आपके लिए 3 फंड सेलेक्ट किया है, एक्सिस ब्लू चिप फंड, केनरा रूबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड एंड मेरे एसेट लार्ज कैप फंड। तीनों ही फंड्स ने ज्यादातर होराइजन में अपने बेंचमार्क को बीट किया है।
लार्ज कैप कैटेगरी पे भी मैंने डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी पब्लिश किया हुआ है। अगर आपको इन फंड्स के बारे में डिटेल से जानना है तो आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। इन सारे वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। मैंने जो भी म्यूचुअल फंड के कैटेगरीज के फंड्स के बारे में आपको बताया है वो आपके इन्वेस्टमेंट के लिए सफिशियंट है। अगर आप अपना इक्विटी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको म्यूचुअल फंड के सारे कैटेगरीज में इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप एक स्मॉल कैप के फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो स्मॉल कैप का फंड मिड कैप एंड स्मॉल कैप दोनों तरह के स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट करता है। सिमिलरली अगर आप एक फ्लेक्सी कैप के फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फ्लेक्सी कैप का फंड लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप तीनों तरह के मार्केट कैप के स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट करता है। सिमिलरली सेक्टर फंड्स भी अक्रॉस ऑल मार्केट कैप्स अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।